हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लॉयड एलईटी का जो 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है, उसे आपको कहाँ पे जाकर चेक करनी है, किस तरीके से आपको चेक करनी है, किस जगह पे चेक करनी है, क्या क्या फ़िल करनी होती है, कैसे कैसे क्या करनी होंगे, ऑफिशियली आपको चेक करके बताऊँगा। इस वीडियो में आपको सब देखने मिलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना क्या क्या मैं कैसे कर रहा हूँ। और तो स्टार्ट करते हैं, आपको कहाँ से स्टार्ट करनी बता देता हूँ। आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करनी होगी और वहाँ पे आपको टाइप करनी है लॉयड एलईटी 2022 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको लॉयड सेट के रिलेटेड एलईटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये आपको सर्च करनी होगी, जब आप सर्च कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि iso.net, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ एग्जैक्टली। आप इसी लिंक पे क्लिक करेंगे, जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्टार्टेड है, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपके सामने ये फॉर्म है, इस फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, और आप फिर गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर देंगे। तो इस चीज़ से क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस मिलते रहेंगे लॉयड एलईटी के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्टार्ट कर दी गई है, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, और फिर से आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। पहले तो आपको यहाँ पर इस पेज में पढ़ लेनी है अगर कोई डिटेल जानी होगी तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं आप सीधा न्यू टैब में ओपन होते हैं जो लॉयड लॉ कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आते ही आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑलरेडी अप्लाई करने का और एक न्यू। तो न्यू का यहाँ पर देख लेना। अभी जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके, तभी आपको ऑलरेडी पे जाना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तभी आपको ऑलरेडी पे जाना है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, आपका नाम, तो जैसे कि मेरा नाम है, जो भी मेरा नाम रहेगा यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा। ईमेल आईडी मुझे अपना पता है, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर दूँगा, आपको अपना टाइप करना, ओके। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं, ठीक है, जिस किसी भी स्टेट से आप रहेंगे अपना स्टेट सेलेक्ट करनी है, और एक पासवर्ड क्रिएट करनी है। पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करेंगे उसे याद रखना है, काम बहुत आने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अभी इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अभी जब मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के लिए टेक ओवर योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अ स्पेशलिस्ट कैरियर। तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है पहले, तो जिसमें आपको यहाँ पर डिटेल देनी है आपकी फ़ोटो के, तो फ़ोटो पे यहाँ पर क्लिक करने और फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे, जो जिसका एटलीस्ट साइज़ कितनी होगी, 10 KB से ज़्यादा और 100 KB से कम होनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर लॉ कॉलेज, ओके, कैंपस वन, कैंपस टू, जो भी आपको चूज़ करनी हो चूज़ कर लेना। ये न्यू इनिशिएटिव है, यहाँ पर लिख कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरा नाम जो भी होगा, मेरा फादर नेम, मदर नेम, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर, मेल फीमेल, सॉरी, यहाँ पर कैटेगरीज पूछी गई, कैटेगरी अपनी बताने के बाद आपको, अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कौन सी ईयर है आपकी। एग्ज़ाम्पल 1980 का अगर मैं हूँ, 1980 सेलेक्ट करूँगा। मेरा मंथ कौन सा है, जैन 1, बस। तो मैं अपना इजीली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आप करेगा अपना सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट अपना जेंडर सेलेक्ट करनी है, आपका एड्रेस चाहिए, एड्रेस देनी है यहाँ पर, आप मेल फीमेल क्या है वो बताने के बाद अपना एड्रेस, उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट वन, इंडिया से हैं आप, इंडिया यहाँ पर क्लिक कर, ठीक है, अब मैं क्लिक कर दिया, इंडिया मेरा कंट्री। सेलेक्ट स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करनी है, मैं जिस किसी भी स्टेट से हूँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा, जिस किसी भी स्टेट को आप अपना सेलेक्ट कर लेना, मैं अपना सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एंटर सिटी नेम, अब महाराष्ट्र में जैसे मैं रह रहा हूँ, ठीक है, तो उस कौन से सिटी में रह रहा हूँ वो बताऊँगा। फिर पिन कोड नंबर आता है, पिन कोड नंबर दूंगा, तो ये तो आप जानते हैं ईजी, सब एड्रेस में सब रहता ही कॉमन। उसके बाद सिग्नेचर देनी होती है मुझे, सिग्नेचर कैसे देंगे, सिग्नेचर, ओके, सिग्नेचर आपको पहले मतलब फ़ोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी,
कैसे, अब एक पेज पे वैसे सिग्नेचर वगैरह करके यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं एकेडमिक हिस्ट्री पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैंने पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट की। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल कंप्लीट करनी थी, वो कैसे करेंगे, टेंथ क्लास का डिटेल देनी होगी। ठीक है, टेंथ क्लास का डिटेल आप देंगे, बट कैसे, पहले तो अपना बताना है पासिंग ईयर, आप कौन से ईयर में पास किया अपना टेंथ क्लास। मैंने 2010 में पास किया, 10, ओके 10, तो मैं 10 बताऊंगा। और यहाँ पे परसेंटेज मेरे कितने आए थे टेंथ क्लास में, 45, 65 चलेगा। अब यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास में, अब ट्वेल्थ क्लास का डिटेल देनी होगी, तो जो मैं कौन सी ईयर में पासिंग किया, परसेंटेज कितने आए मेरे, जो भी है यहाँ पर बता देंगे आप। ग्रेजुएशन, ठीक है, मेरा 2015 में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो वो बताऊंगा, और मार्क्स कितने मिले, जितने भी मिले आप बता देंगे, आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर अदर डिटेल्स आप देना चाहते दे सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने टेंथ किया, ट्वेल्थ किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट मैंने बताया। उसके बाद भी अगर आपने कुछ छूटा आपको बाकी बताना तो बता सकते हैं। अदर्स डिटेल्स नहीं, मेरे को नहीं देना। अब यहाँ पर आऊँगा टेस्ट अपेयर में, क्लैट एयर, एल सेट, ये सब का इंटरेस्ट एग्जाम आपने दिया है तो आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं, और रैंक कितना है तो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इंटरेस्ट एग्जाम नहीं दिया, नेक्स्ट में मैं क्लिक कर दूंगा। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में पेमेंट आपको कंप्लीट करनी है। कितना पेमेंट है, 1500 रुपीज़। तो पे विथ ICICI बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो ये सिलेक्टेड पहले से ही है, आपको पे नाउ पे क्लिक करना। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, आप ये आपकी स्टेप है, यहाँ पर आगे से आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जो नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, जो सारे प्रोसेस आपको पते हैं कि क्या करना होगा, डेबिट कार्ड में आपको पता है, क्रेडिट कार्ड में आपको सारी चीज़ें पती है। तो जैसा भी आपको यहाँ पर सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपको पेमेंट यहाँ से कंप्लीट करके सबमिट कर रहे हैं, बस आपका फाइनल हो जाएगा। और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आता है, प्रिंट आउट भी ज़रूर निकाल लें। और उसके बाद अब बस फाइनल हो गया। ठीक है, इतना ही कंप्लीट करना था, और कोई भी चीज़ में डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें लिंक मैंने दिया हुआ है इस पेज का। अगर आपको सर्च करके नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया मैंने, उस लिंक पर क्लिक करो, इस पेज पर आ जाएंगे, और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है सारी कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।